मॉडर्न किलर हीरिये, मैं स्वैगर राजा तेरा कुड़िये। That song, Special Edition कुड़ी, is dedicated to all you Special Edition कुड़ीज। मैं अभी शहनाज का भी मैंने शो देखा, शहनाज गिल और वो एक शो पे आई है, उनका टॉक शो जो है शहनाज का। So, क्या जबरदस्त, तो रकुल कैरी करती है इस चीज को wherever she goes with grace and with the I would say जो fun part होता है गाने का वो maintain रखती हैं। So I really like it। कोई भी हो, बात चाहे दिन हो या रात, कोई अपनी भी लड़की कोई आई नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है। मिलने के बाद हम दोनों ने बकवास मारनी शुरू की, तो मैंने पहले तो सच बोलूंगा मतलब कि पहले हमने गालियां देनी शुरू की थोड़ी फिर हम अच्छी बातों पे आए। यहाँ पे आप देखो, उस टैलेंटेड बंदे ने कहा भाई मिल गया हुक। मैंने कहा वो कैसे, कहते बस तू मेरा भाई नहीं है, गाना बन गया। सुमित ने जब उनको डब किया रफ्तार को, तो और रफ्तार भाई को भी यही बोला गया कि भाई दिल्ली की तो इस गाने में, तो सो सॉरी फॉर द वर्ड। एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सिंगिंग विद श्रेया घोषाल आल्सो, एंड सनी लियोनी वाज फीचर्ड इन दैट सॉन्ग। हाय गंधर्व, हाउ आर यू? हाय हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट। वेयर आर यू राइट नाउ? मुंबई? सो आई एम इन मुंबई, या एट माय होम। Absolutely. At your home. I think दिल्ली छोड़े तो ज़माना हो गया होगा आपको। हाँ, दिल्ली छोड़े तो बहुत ज़माना हो गया। Actually, मेरा जो है दाद के, you will say that दिल्ली की भाषा में, तो राणा प्रताप बाग था, वहाँ से जर्नी शुरू हुई हम लोगों की, C3/13। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं 3 तारीख को पैदा हुआ, माय ब्रदर यू नो ही वाज बोर्न एट 13। So that's a joke in our family. Scene 3/13, Rana Pratap Bagh. Wow, what a coincidence. I mean, it's crazy. It is, indeed. yeah, there are a lot of coincidences in my life like this. yeah, okay. Yeah. But abhi Delhi aana jaana laga rehta hai ya phir sirf kaam ki wajah se jaate ho? See, Delhi, obviously, because my family is there, so aana jaana laga hi rehta hai. But I love Delhi, yaar. Delhi wala dil se to Delhi ka hi rehta hai hamesha hi. I agree. Kuch bhi kar le aap. तो बट हाँ, दिल्ली काम की वजह से भी आना जाना लगता है। अभी तो बहुत सारी शूट्स भी होने लगी हैं दिल्ली में, और बहुत से आर्टिस्ट हैं, सो द सीन इज इंप्रूविंग, तो इसलिए लगा रहता है, फैमिली एंड वर्क दोनों वजह से लगा रहता है। नाइस। बट व्हाट अबाउट योर म्यूजिकल जर्नी, वो कैसे चल रही है अभी? सो बहुत अच्छी चल रही है म्यूजिकल जर्नी। अभी मेरा एक गाना आया मूवी छतरी वाली में, गाने का नाम है स्पेशल एडिशन कुड़ी, जो कि मैंने सुनी थी। बिल्कुल, आई वुड से आप सभी लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मुझे, ऑडियंस का, मीडिया का, फैमिली फ्रेंड्स का, एंड सुनिधि ने और मैंने गाया, एंड शी इज सच एन अमेजिंग सिंगर, एंड सुमित बलेरी जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने गाना कंपोज किया है, तो बहुत प्यारा गाना है, हमें तो बहुत प्यारा लगा था। अच्छी बात क्या है कि एज ए म्यूजिशियन अब जब ऑडियंस को भी वो गाना उतना प्यारा लगता है तो बहुत खुशी होती है। सो अभी इनफैक्ट हमारा टॉप 12 सॉन्ग्स में हमारा गाना आया है अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे टाइम्स 21 तारीख का, 21st को। सो वी आर इन द टॉप चार्ट्स इन द कंट्री, सिर्फ ऑडियंस का प्यार है और कोई रीजन नहीं, तो बहुत मजा आ रहा है। या क्योंकि अभी रिसेंटली आई आल्सो इंटरव्यूड रकुल प्रीत फॉर छतरी वाली ओनली, एंड उस टाइम तक ये वाला गाना रिलीज नहीं हुआ था, बट शी वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू शी टोल्ड मी कि देयर इज वन सॉन्ग व्हिच आई एम लाइक ट्रूली एक्साइटेड अबाउट एंड दैट्स कॉल्ड स्पेशल एडिशन कुड़ी। बट कुड़ी तो मैंने बोला कि अच्छा ये कैसा गाना है, लाइक वर्ड से कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्साइटिंग सा है, कहती हाँ वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मुझे लगता है कि उस गाने को रिलीज होने के बाद मैं अपने हैशटैग में भी वही लगाने वाली हूँ। बिल्कुल। सो अभी मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, इतने लोग रील्स बना रहे, लड़के भी, लड़कियां भी, अच्छा कपल्स भी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई कीप शेयरिंग ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, तो बहुत ही प्यारा गाना है, और लड़के भी बोल रहे हैं लड़की को कि जैसा कि लाइन है कि तू है सरताज मेरा, लड़का भी बोल रहा है उसको कि तू ही मेरी, मैं तेरा कोहिनूर हूँ। तो लाइनें इस तरीके की है कि वो एक लड़की के इमोशंस है। एंड एज फार एज रकुल प्रीत सिंह इज कंसर्न, शी इज अमेजिंग एक्ट्रेस। रादर हम लोग, मैं अभी सिंगल्स भी मेरे कुछ आने वाले हैं मार्केट में, जिसमें मेरी फीचरिंग भी है साथ में। इनफैक्ट
इस मूवी से पहले की बात है, तो वी इंटरेक्टेड, मतलब रकुल को हमने उस टाइम पे अप्रोच भी किया था, बट उनका जी में गाना आया था उस टाइम पे, एक सिंगल, बट शी इज डूइंग सो अमेजिंग एट द मोमेंट. एंड आप देखिए अभी 2022 में शी हैड अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 movies, आई वुड से. यस सो अमेजिंग अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ हर मूवी एज वेल. एंड इट्स रियली आउटस्टैंडिंग टू सी हर डूइंग दोज डांस मूव्स. एंड या एक्चुअली में उसने अभी शहनाज का भी मैंने शो देखा, शहनाज गिल, और वो एक शो पे आई है, उनका टॉक शो जो है जी शहनाज का. सो क्या जबरदस्त, तो रकुल कैरी करती है इस चीज को वेयर एवर शी गोज विद ग्रेस, एंड विद द आई वुड से जो फन पार्ट होता है गाने का वो मेंटेन रखती है. सो आई रियली लाइक इट. दूसरी चीज ये थी कि आपने आपका फर्स्ट बॉलीवुड ट्रैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज विद श्रेया घोषाल. अभी आपने ये कुड़ी स्पेशल एडिशन कुड़ी गाया सुनिधि चौहान के साथ, देन योर फर्स्ट सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड वाज विद श्रेया घोषाल. हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक, बिकॉज श्रेया घोषाल इज समवन जिनकी एक अलग ही तरह का फैन बेस रहा है शुरुआत से. लाइक उनकी आवाज आपके लाइक दिल को छू जाती है, ऐसी वाली आवाज. तो जब पहला प्रोजेक्ट आपने उनके साथ किया बॉलीवुड का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? सो लाइक आई सेड कि मेरी लाइफ में बहुत कोइंसिडेंसेस हैं, और आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड आई वुड से. तो मेरा पहला गाना आया श्रेया घोषाल के साथ, जबकि आप देखिए तो फुकरे रिटर्न्स में भी मैंने 3 गाने गाए जी एक्चुअली. जी सो मैंने जब फुकरे रिटर्न में भी 3 गाने गाए, वो मेरा श्रेया घोषाल के गाने से पहले लॉक हो चुकी थी चीज, बट मूवीज का रिलीज आगे पीछे चलता रहता है. सो देन आप जो गाने की बात कर रही हैं श्रेया घोषाल के साथ, फिर वो आया, तो उस गाने का नाम था तू जरूरत नहीं तू जरूरी है. एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सिंगिंग विद श्रेया घोषाल आल्सो, एंड सनी लियोनी वाज फीचर्ड इन दैट सॉन्ग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शर्मन जोशी थे उस गाने में. और अनदर ब्लेसिंग, रणबीर कपूर जो है उनको गाना बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने हम लोगों को हेल्प की, ही सपोर्टेड अस, एंड उन्होंने शायरी की उस गाने के अंदर, इतनी ब्यूटीफुल लाइंस थी, सो इंटेंस, एंड वी वर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम. सो वो गाने का रिस्पांस बहुत अच्छा था, और वो एक मूवी है फुद्दू, उस मूवी का गाना था. तो मेरा एक्सपीरियंस सभी एक्टर्स के साथ भी, व्हेन आई पर्सनली मेट सनी शर्मन एंड सब लोगों के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. स्पेशली श्रेया घोषाल तो क्या गाती है, मजा आ जाता है उनकी आवाज सुन के, तो नो डाउट. तो बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. और वैसे अगर हम सनी लियोनी को देखते हैं, तो वो बेबी डॉल में सोने दी गाने या पिंक लिप्स टाइप गानों में एक अलग ही उनका, यू नो, आप उनको वैसे ही इमेजिन कर पाते हो. बट ये काफी अलग तरह का सॉन्ग था जो आपने किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट भी था. सो बेसिकली आई वुड से सनी डेफिनेटली, आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने करियर में, जैसे कभी जो बादल बरसे देखिए, सच अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, एंड शी हैज एक्टेड सो वेल इन दैट, यू नो. वैसे ही सिमिलरली आप हमारा गाना देखेंगे यूट्यूब पे जाके, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, एंड उस गाने के अंदर वो भी टॉप चार्ट्स में था जब रिलीज हुआ था उस टाइम पे. एंड सनी लियोनी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मेरा जी गाना है मैं इसलिए नहीं बोल रहा, लोगों ने इतनी तारीफ की कि शी एक्टेड सो वेल इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. वो जो इमोशंस थे एक्चुअली उनकी एक्टिंग निकल के आए. आई थिंक या शी इज अ वेरी शी इज अ ग्रेट लर्नर. मैं जितना देखता हूँ उन्होंने एक्टिंग सीखा, सब सीखा, तो शी हैज बीन ग्रोइंग इन द या इंडस्ट्री. सो आई या हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हर फॉर दैट थिंग. एंड शर्मन जोशी जी, तो उनका तो क्या ही कहना, शर्मन जोशी सच अ ब्रिलियंट एक्टर, या उन्होंने भी जो एक्ट किए उस गाने में, उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगी, तो इट एंड वाज ब्यूटीफुल. व्हाट देन चार अबाउट चांद तू लगाए मेरा भाई, उसके नहीं है लिए. मुझे अब बताओ, क्योंकि वो तो मेरा, पर हाँ मुझे बहुत पसंद है वो गाना, पर्सनली लव इट. जी. सो उसकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो तो मृगदीप सिंह लांबा जो है फुकरे रिटर्न्स के जो डायरेक्टर है, एंड कासिम जो है द को प्रोड्यूसर इन लॉट ऑफ मूवीज एट एक्सेल एंटरटेनमेंट. तो मृग पाजी ने हमें ब्रीफ दिया कि यार एक ये दिल्ली के दोस्तों की जो बकवास चलती है ना दोस्तों में दिल्ली में जो दुबई बातों वाली, नहीं कर तो अपना क्या है, वो कहते हैं यार मुझे ना दिल्ली के दोस्तों की बकवास चाहिए कुछ गाने में, ऐसी रहे. ऐसी बातें जो दिल पे लगे और दोस्त रिलेट कर पाए. देखिए मैं हमेशा, और वो गाना भी मेरा पहला गाना भी जो श्रेया घोषाल वाला था, वो सुमित बलेरी ने ही बनाया था, सच अ टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर. और उसके बाद आप देखिए तो फुकरे रिटर्न्स का ये गाना भी सुमित बलेरी ने ही बनाया. तो मैं और सुमित बलेरी, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली, वी आर बेस्ट बडीज. सो हम दोनों बैठ के और हम साथ काम करते हैं,
तो मैं एज अ सिंगर करता हूँ काम उनके साथ, देन उसके बाद मैं एज अ रिकॉर्ड प्रोड्यूसर काम करता हूँ हर हर गाने के ऊपर. तो हम दोनों को मृग पाजी से ब्रीफ मिला. मिलने के बाद हम दोनों ने बकवास मारनी शुरू की. तो वो मेरे को सुमित बोला, कहते यार भाई कुछ बकवास मारो ना, दिल्ली वाली बातें. तो मैंने पहले तो सच बोलूंगा मतलब कि पहले हमने गालियां देनी शुरू की थोड़ी. फिर हम अच्छी बातों पे आए. फिर जब हम अच्छी बातों पे आए तो मैंने कहा यार भाई तू मेरे लिए करेगा नहीं यार, तू मेरा भाई नहीं है. यहाँ पे आप देखो उस टैलेंटेड बंदे ने कहा भाई मिल गया हुक. मैंने कहा वो कैसे, कहते बस तू मेरा भाई नहीं है, गाना बन गया. तू मेरा भाई नहीं है. तो ये बिल्कुल बिल्कुल. देन अनदर थिंग इज, उसमें मेरे साथ रफ्तार ने रैप किया. जी रफ्तार इज अ वेरी रिनाउंड या रैपर एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट रैपर एक्चुअली. वो लड़का दिल से करता है रैप, जो करता है ना दिल से है. सो आई या लव हिम. तो उसको भी सुमित ने जब उनको डब किया रफ्तार को, तो और रफ्तार भाई को भी यही बोला गया कि भाई दिल्ली की दे दो इस गाने में. तो सो सॉरी फॉर द वर्ड, बट आई एम सो सॉरी. बट वो बोला कि यार दिल्ली के दोस्तों की बातें बताओ यार रफ्तार भाई, आप नेचुरल फ्लो के साथ, एक 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 फ्लो के साथ आप हमारे को इस चीज का रैप करके दो. और आप विश्वास नहीं करोगे कि उन्होंने रैप करके दिया, और इट वॉज सो अमेजिंग कि पहली बार उन्होंने रैप करके भेजा. तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसकी भी. तो सबने सुना, बहुत अच्छा लगा. फिर हमें लगा हाँ कि नहीं वो शायद एक बार और करा लेते हैं. तो मृग पाजी बोले कि एक बार और करा के देख लो, शायद कुछ और बेटर चीजें मिल जाए. मृग पाजी सच अ पैशनेट, मतलब इतने पैशनेट डायरेक्टर है. तो हमने फिर से रफ्तार भाई आए बॉम्बे, तो रैप रिकॉर्ड किया सुमित ने. और पर उसके बाद आप विश्वास करोगे जो पहली बार वाला रैप था वही सबको पसंद आया. इसके अलावा मैंने फुकरे रिटर्न्स में दो गाने और गाए थे. जी दूसरा गाना था बुरा ना मानो भोली है, बहुत हाँ इंटरेस्टिंग है ये भी आई देखो. रिमेम्बर दैट सॉन्ग ऑल्सो। हाँ, सो फुकरे थ्रो बैक इज द थर्ड ट्रैक ऑफ द फुकरे हाँ रिटर्न. मैंने तीन गाने गाए उसमें, तो वो रहा. ओके। अब सो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग इतने सारे गानों की बातें कर रहे हो और ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई गाना ना गाओ आज के इस इंटरव्यू में। सो एक दो लाइन तो हो ही जाए है. फॉर बिल्कुल एनी टू सॉन्ग्स, एनी बिल्कुल. टू सॉन्ग्स। अच्छा, तो मैं बल्कि मेरे गाने की दो तीन लाइनें गाता हूँ. स्पेशल एडिशन टॉप चार्ट्स में चल रहा है, लोगों का फेवरेट है गाना, बनता है वो तो, है ना. तो थोड़ा सा मैं गुनगुनाऊंगा, है ना. तो मेरे को लाइनें बड़ी प्यारी लगती हैं एक्चुअली, इसलिए मैं दो लाइनें गुनगुनाना चाहूंगा इस गाने. तू है मॉडर्न किलर हीरिये, मैं स्वैगर राजा तेरा कुड़िये. तू है मॉडर्न किलर हीरिये, मुंडा मैं हाँ कमाल, कुड़िये तू भी कमाल, ये कमाल जोड़ी हिट हो गई. स्पेशल एडिशन है तू बूम पट्टा कहाँ कुड़ी. कुड़ी लव इट एंड दी थैंक अदर वन वुड यू बी आई सो थिंक तू मच. मेरा भाई नहीं क्या। कोई भी हो, बात चाहे दिन हो या रात, कोई अपनी भी लड़की कोई हाई नहीं है. तू मेरा भाई नहीं है. थैंक क्या बढ़िया बढ़िया गाने गाए हैं, मेरा प्राइवेट कॉन्सर्ट हुआ यू है यहाँ पे थैंक एंड यू आई लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव्ड इट। थैंक यू. रियली बट रियली रियली सिंगिंग के थैंक यू साथ सो मच. साथ आप प्रोड्यूस भी करते हो, सो ये दोनों चीजें साथ में कैसे चलती है? आई रियली वांट टू नो। गॉड इज काइंड एक्चुअली आई वुड से. पता या नहीं कैसे एक्चुअली मैं कुछ नहीं करता. मैं अगेन वो चीज बोलूंगा, मैंने ऐसी फैमिली में जन्म लिया जहाँ पे माई मॉम इज नेशनल अवार्ड विनर सितारिस. उनको नेशनल अवार्ड विनर हैं वो, और पंडित रविशंकर की शागिर्द रही है मेरी मॉम. तो उनसे मैंने म्यूजिक सीखा. व्हेन आई वाज 4 years ओल्ड शी स्टार्टेड टीचिंग मी हिंदुस्तानी क्लासिकल. एंड फादर इज एन एंटरप्रेन्योर, तो मैं रिमिक्स बना थोड़ा सा. सो मैंने बचपन से लेकर हाँ थ्रू आउट मेरी स्टडीज म्यूजिक रही, और मैं म्यूजिक सीखता रहा मॉम से. और थ्रू आउट मेरी जो स्टडीज रही हैं, दैट इज आई डिड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन आई डिड पीजी डीएमएम, देन आई स्टडीड इन द फिल्म स्कूल. आई एम पास आउट फ्रॉम विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, जो सुभाष घई जी का इंस्टीट्यूट है. वहां से मैंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की. आई डिड एमबीए इन फिल्म बिजनेस एक्चुअली फ्रॉम देयर. तो कुछ नहीं, फैमिली में अब होता ही है, उनको होता है कि अच्छा आपने इस इंडस्ट्री में जाना है अब तो थोड़ा सा. और आई यूज टू रन अ बैंड एक्चुअली. मैं चैनल भी पॉप स्टार्स 2 में था, आयुष्मान अपार शक्ति हम सब ओ साथ थे. हाँ. अच्छा सो उस वहां से मेरी जर्नी एक्चुअली शुरू हुई. देन मैं कॉलेज में आई यूज टू रन अ बैंड. महीने के मैं 10-15 शोज करता था. तो रवि शेरगिल के साथ भी ओपनिंग एक्ट किया मैंने, और
बहुत से लोगों के साथ, पीसीए स्टेडियम मोहाली में मैंने न्यू ईयर परफॉर्मेंसेस दी सब, बट सैचुरेशन आ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो मजा आता था उस टाइम, 8-8, 9-9 घंटे गाता था, मेरा रियाज था 8-8, 9-9 घंटे का तो. बट उसके बाद क्या था कि आगे चीजें बढ़ नहीं रही थी तो सपने बहुत बड़े थे ऑब्वियसली ऑलवेज ऑलवेज. तो मुझे लगा ठीक है अब फिर बैंड टूट गया, जैसे रॉक ऑन की कहानी हुई वैसे हमारी हुई, बैंड टूट गया, मैंने कहा अब क्या करूं लाइफ में. तो देन आई थॉट फिर सिनेमा, आई एम सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स सिनेमा बिकॉज इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स. तो सभी आर्ट फॉर्म्स उसी के अंदर, मैं दिल से आर्टिस्ट हूँ, आई एम ए क्रिएटिव पर्सन. सो मुझे लगा अब ये पहलू जानना बहुत जरूरी है ताकि कल को मैं अपने म्यूजिक वीडियोज भी लॉन्च करूं, या म्यूजिक वीडियोज में भी आना है, बनाने हैं, फिल्मों में भी गानों को गाना है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्रिप्ट एनालिसिस, हर चीज को समझ लेना, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ढलना. और प्ले, मैं इसमें एक और चीज बोलूंगा, प्रोड्यूसिंग की जर्नी भी ऐसे ही साथ में शुरू हुई कि हम इस जर्नी में निकले तो मुझे आर्ट में मजा बड़ा आता है. तो कुछ लोगों को लगा कि चलो आओ मिलके हम एक फिल्म बनाते हैं, अभी आप देखेंगे तो हमने वो बनाई, फिर कहानी के अंदर घुसे, ऑब्वियसली म्यूजिक इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट. देन अभी भी आप देखेंगे तो वी आर स्टार्टिंग अ म्यूजिक लेबल, बहुत अच्छा समय चल रहा है म्यूजिशियंस के लिए. नाइनटीज में आया था सिल्क रूट, सब वैसा ही आ गया, उससे भी बड़ा है मुझसे. तो अभी हम म्यूजिक लेबल स्टार्ट कर रहे हैं, वेर इन मैं और सुमित बलेरी पार्टनर्स भी हैं उसमें, और हमने मिलके अभी शुरू किया, हमने 3 म्यूजिक वीडियोस शूट कर लिए उसके अंदर. एंड तो मेरी प्रोड्यूसिंग की नॉलेज, मेरी फिल्म स्कूल की जर्नी सब काम आ रही है उसके तो अंदर. प्लस थोड़ा सब कुछ साथ 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 मोर चल रहा है। ऐसा देखिए, बिकॉज क्या है मेरी लाइफ में काम के अलावा कुछ है ही नहीं और. सो डे एंड नाइट आई एम ऑन इट, सुबह से लेकर रात तक. और सारा दिन तो आप स्टूडियो में गा नहीं सकते ना, एंटायर डे यू कांट सिंग. सो कहानियों में और गानों में रहना, यही मेरी जिंदगी का मजा है, एंड इट्स अ ब्लेसिंग. तो ऐसे प्रोड्यूसिंग का साथ साथ दौर चल रहा है, बट फ्रॉम हार्ट आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम अ सिंगर, मेरा फर्स्ट लव है, तो मेरा सारा ध्यान वही रहता है. पैरेलली वो कह सकते हैं टॉर्टोइस स्पीड पे, बहुत ही स्लोली स्लोली वी आर बिल्डिंग थिंग्स, जरूर चलेगा. और आगे हम वी आर मेकिंग वन पंजाबी मूवी, हिंदी मूवी, थिंग्स आर इन पाइपलाइन, लेट्स सी कैसा चलता है. दैट्स ग्रेट। या देखिए आज के टाइम में जो आज के म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, देयर आर सो मेनी एंड यू नो सबका एक अलग फैन बेस बनता जा रहा है। कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स का एक अलग ही वो है, यारमान मलिक के सॉन्ग्स का अलग है, स्टेविन बेन के सॉन्ग्स का अलग है। आप किस सिंगर को देखकर, बेसिकली जिनका काम देख के आपको मजा आता है और जिनके गानों का आपको भी वेट रहता है और यू नो कहीं ना कहीं वो आपको इंस्पायर करते हैं, कौन होगा? मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं सिंगर विशाल ददलानी, आई लव हिज वॉइस. ओहो, क्या थ्रो है आवाज का और क्या इमोशंस देते हैं. आप उनसे लव सॉन्ग गवा लो, आप उनसे डांस नंबर गवा लो, वो इंसान, आई एम ह्यूज फैन एक्चुअली उनकी गायकी का. देन इंडिया में मुझे पेपॉन, आई लव पेपॉन्स वॉइस, वो नशा है उनकी आवाज में. ऑब्वियसली अरिजीत सिंह ऑल्सो, आई लव हिज वॉइस, कुछ गाने अरिजीत ने भी ऐसे ही गाए हैं. बट मैं उसमें ये बोलूंगा कि, और आप अब्रॉड देखेंगे तो अडेल है, यू नो, एंड देर आर सो मेनी अदर अमेजिंग सिंगर्स, एंड एल्टन जॉन रहे हैं कितने अच्छे, ठीक है. तो बहुत सारे, इतने सारे आर्टिस्ट हैं एक्चुअली. मेरा कैसा है, मैं सबसे सीखता, आई एम लर्नर इन लाइफ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट. मेरी मदर एक बात कहती है कि आर्टिस्ट जिस दिन ये सोच लेता मुझे सब आ गया, बस गेम ओवर आपकी. तो मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि हर रोज मुझे सीखना है, मैं हर सिंगर से सीखता हूँ, हर किसी में अपनी एक खास बात है. आप विशाल ददलानी देखेंगे, उनकी एक अपना थ्रो इमोशन, एक अलग स्टाइल है गायिका का, अरिजीत का देखेंगे तो. बट मुझे ये सभी बहुत अच्छे लगते हैं सिंगर्स. कुछ और अपकमिंग लोग भी हैं जो इतना अच्छा गाते हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ, मैं हर किसी से सीखता हूँ. मेरे इन्फ्लुएंसेस मुझे, और आप ऐसे देखेंगे तो पोस्ट मेलॉन, आई रियली रिस्पेक्ट हिम अलॉट अब्रॉड में. तो ऐसे हर किसी से सीखने वाली बातें हैं, तो मैं सीखता ही रहता हूँ. इन्फ्लुएंसेस ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा सभी से इन्फ्लुएंस होता हूँ मैं इस चीज में, बट हाँ अपनी एक सोल होती है तो वो मेरे इमोशंस हर गाने को लेके होते हैं कि मैं इस गाने को कैसे निभाऊं. आज आप स्पेशल एडिशन कुड़ी भी मैंने गाया, तो जैसे सुनिधि ने गाया, उनका अपना टेक है, उन्होंने अपनी अपनी खूबसूरती डाली, अपने इमोशन डाले. तो सिमिलरली एज अ सिंगर मेरा अपना टेक है, प्लस एज अ म्यूजिक कंपोजर सुमित बलेरी जो है,
वहां पे म्यूजिक कंपोजर एक गुरु की तरह हो जाता है उस टाइम पे. मेरी मेरी मेरा फर्ज है उस टाइम पे कि म्यूजिक कंपोजर को अच्छा लगे जो मैं गा रहा हूँ. सो फिर मैं अपना बेस्ट टेक देता हूँ, फिर डायरेक्टर साहब को जो अच्छा लगता है वो लॉक कराते हैं और हम आगे बढ़ते हैं. पर आपने कई कमाल के गाने दिए हैं ये तो बोलना पड़ेगा, और जिस तरह से अभी आपने गाकर सुनाया वो लग ही रहा था कि आप आज भी, चाहे वो सॉन्ग कई सारे सॉन्ग जो पहले रिलीज हो चुके हैं, टाइम हो गया, लेकिन वो पैशन आपके अंदर अभी भी गानों को लेके यू नो दिख रहा था कि आपका खुद का बेबी होता है तो लाइक यू लव इट डियरली, तो वो चीज मुझे जरूर दिख रही है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. गाने अभी बहुत सारे आ रहे हैं हमारे फिल्म्स में भी, सिंगल्स भी. बीच में कोविड की वजह से सब लोग डिले हो गए, सब हो गया, तो पर जर्नी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सो फार. एंड एक सिमेंत द्विवेदी जी हैं, एक और म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने, मैंने फुकरे रिटर्न्स का जो तीसरा गाना गाया था वो सिमेंत सिमेंत द्विवेदी जी का गाना है. तो उनको भी मैंने जब गाके भेजा तो उन्होंने भी कुछ कुछ चेंजेस बताया. मैं उस टाइम इनफैक्ट चंडीगढ़ में था फॉर सम वर्क, तो उन्होंने कहा यार गाना वहीं से रिकॉर्ड करके भेजा, तो मैंने इनफैक्ट वो गाना चंडीगढ़ से रिकॉर्ड करके भेजा. तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है म्यूजिक डायरेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू लेना, क्योंकि मेरा मानना है, और मूवी डायरेक्टर भी इनफैक्ट फुकरे रिटर्न्स में मृग पाजी इज सो पैशनेट, वो खुद वहां पे रिकॉर्डिंग में रहे हैं. चूचा वॉज देयर, वरुण वॉज देयर इन माई रिकॉर्डिंग, जो मेरा भाई नहीं की. वो उस रिकॉर्डिंग में वहां रहे और सामने रिकॉर्डिंग में सबने पूरी फील ली है. वो मेथड सिंगिंग थी एक्चुअली, मुझे पूरी फील दी गई है उस सीन की. वरुण ने बताई है बातें, तो फिर मजा आता है. अभी सिमिलरली स्पेशल एडिशन कुड़ी, जो मेरा गाना अभी जो चल रहा है इतना अच्छा, इसमें भी तेजस भाई द डायरेक्टर ही वाज देयर एंड बहुत मजे से. फिर सुनिधि की रिकॉर्डिंग में तो मैं भी गया. तो हम सब एक गाने की जर्नी को जीते हैं हम लोग इन सब लोगों के साथ, यू नो. तो उसका उसका मजा अलग होता है, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हमें ये ब्लेसिंग है कि हर गाने की एक जर्नी है, उसके इतने ड्राफ्ट बनते हैं, वी लव इट. दैट्स हाउ इट ग्रोज. बट अभी एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपकी पुरानी या फिर आपके गानों के पीछे की कहानी को जानते हैं, उसको समझते हैं, आई थिंक उसकी एक एक्साइटमेंट अलग होती है जो हमें ऑफकोर्स दिखती नहीं है पहले, और जब हमें पता चलती है आप लोगों से तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था. ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है जो लोगों को एक्चुअली पसंद आती है, एंड आई थिंक इन्हीं चीजों का लोग इंटरव्यू से वेट करते हैं कि कब वो कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, यू नो पीछे ये बना कैसे था, ये कैसे हुआ था. और जैसे भी आपने बोला कि काफी सारे गाने, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपके आगे लाइंड अप हैं, सो आई रियली होप कि जैसे आपने बोला कि आप कई तरह के अलग अलग तरह के गाने गा चुके हैं, कई फैमिली वाले हैं, कोई रोमांटिक है, कोई कुछ है ऐसे ऐसे कर करके, तो रियली होगी आगे भी इस तरह की यू नो लाइक डाइवर्सिटी आपके सॉन्ग्स में और आपके म्यूजिक में दिखती रहे. एंड आई रियली होप दैट एंड लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट थैंक यू वेरी मच गंधर आज बात करने के लिए, एंड बहुत मजा आया. रियली होप यार यू नो मुझे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्पेशली जब आप म्यूजिशियन से बात करते हो ना तो उनके तो यार लाइव कॉन्सर्ट होना चाहिए, मतलब उनके साथ तो आप मिलके ही बात करो, ये जूम वाली चीज नहीं समझ आ रही. That I completely agree. मुझे भी लगता है, हालांकि मैं सच बोलूंगा ये कोविड ने सिखा दिया हमें जूम पे करना है सब, पर मजा जो है आप वाइब फील करते हो, यू नो सिट टुगेदर एंड डूइंग इट, दैट्स अनदर फन. हमारे जैसा कि आपने क्वेश्चन अभी बोला था कि गाने आपको याद है सारे के सारे, जबकि मैं क्या होता है कि हर गाने की जर्नी को इतना झील लेते हो ना आप, तो आपकी आत्मा में बस जाता है वो गाना, इसलिए उसको मजा आता है उस चीज. That's why. और बाकी definitely I look forward to doing an interview. बिल्कुल गाने आते रहेंगे और आपके साथ जुड़ते रहेंगे. And next time मिलकर ही interview करें. That's what I'm saying. अब वो उसका मजा अलग है. Yeah, चार बातें और होती हैं और vibe vibe match करता है बंदा. And क्या पता हम नई बातें आपसे सीखें और उसमें से हमें एक गाने का hook मिल जाए. You never know. बहुत मजा आया मुझे इस इंटरव्यू में, एंड मैं आपसे जल्द ही आपके स्टूडियो में इंटरव्यू करेंगे हम नेक्स्ट टाइम. डेफिनेटली डन. चलो बाय बाय. थैंक यू सो मच. बाय बाय.